पानाति पाता विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि आदिन्नदाना विर्मनि सिक्खापदिं स्मादयामि कामेश मिथचार। जातक कथा नंबर 128, ढोंगी बिल्ला। आपने बहुत सारा शब्द सुना होगा कि ये तो बिल्ला है, ये तो बिलाव है, ये तो बिल्लार है, ये तो बिल्लार है, या ये रंगा बिल्ला है। रंगा बिल्ला तो बहुत ज्यादा चलता है। दरअसल रंगा बोलते हैं रंगा सियार को, और बिल्ला बोलते हैं जो बिल्ली का मेल होता है, बिलोटा जिसको बोलते हैं उसको बिल्ला बोलते हैं। तो रंगा बिल्ला साथ साथ चलते हैं। दरअसल दोनों ही बहुत चतुर और चालाक और धूर्त होते हैं कथाओं में, कहानियों में, सच में भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए उन जानवरों के ऊपर ये कहानी ज्यादा चलती है। ये जो कहानी है 128 नंबर की, इसमें धम्म सिखाया गया है, बताया गया है, और ये ढोंगी बिल्ला के ऊपर है। दरअसल एक बिल्ला होता है, बिलोटा होता है, और इसको पाली में बोलते हैं बीड़ार, बीड़ार, यानी कि ले और ए मिलके आ का डंडा लगाएंगे और रे आएगा, तो बिड़ार बोलते हैं। तो ये जो बिलाड़ है ये एक जारा होता है, रास्ते में देखता है कि उसको बहुत सारे चूहों के बिल दिखाई देते हैं, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो देखता है दूर से कि चूहे बड़े उछल कूद रहे हैं। तो वो उनके पास जाता है। जैसे ही वो बिड़ार या बिल्ला या जो मेल कैट है वो जैसे ही वहां जाता है और जाके वहां देखता है, तो वो सारे चूहे छुपके अंदर भाग जाते हैं। तो वो बड़े प्यार से देखता है उनको, फिर सोचता है कि कोई तरकीब लगाई जाए, ऐसे तो ये आएंगे नहीं, इतने सारे ये हैं, इनको अगर मैं रोज एक खाऊंगा तो मुझे कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करता है, उनके बिल के पास में एक टांग पे खड़ा हो जाता है और मुंह खोल लेता है और मुंह को कर लेता है सूरज की तरफ और आंखें कर लेता है अपनी बंद, और बहुत देर तक वो ऐसा खड़ा रहता है, जब कई घंटे तक। तो चूहों का जो सरदार होता है उसको जिज्ञासा होती है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है और ये ऐसा खड़ा क्यों है। तो वो बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है और दूर से उससे पूछता है कि बिड़ार आप एक पैर पे क्यों खड़े हुए हो। तो वो कहता है कि ये पृथ्वी मेरा वजन नहीं सह पाएगी चारों पैरों का, इसलिए मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूं। वो कहता है कि आपने ये मुंह क्यों खोला हुआ है। कहता है मैं कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ हवा खाता हूं, उस पर जिंदा रहता हूं। तो बिड़ार को बड़ा आश्चर्य होता है, कह रहा है तो बड़ा अच्छा सदाचारी मालूम पड़ता है। तो वो कहता है कि आपने सूरज की तरफ मुंह क्यों किया हुआ है। तो कहता है कि मैं बड़ा धम्मिक हूं और मैं सूरज की तरह तेज हूं, इसलिए मैं सूरज मेरा पिता है, इसलिए मैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हूं अपने पिता की तरफ। तो वो बड़ी जय जयकार करते हैं कि देखो कितना धम्मिक है, क्योंकि धम्म की उन दिनों बड़ी धूमधाम रहती है और जहां भी भगवान बुद्ध के चीवरधारी लोग मिलते हैं लोग झुक झुक कर नमस्ते करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे, इतने साधु, इतने सदाचारी लोग तो कभी हुए नहीं उस समय, बिल्कुल 100% प्योर, तो बड़ी इज्जत होती है। तो जो बिड़ार है वो ये देख के कि ये धम्मिक आदमी है और ये धम्मिक बिड़ार है, वो अपना डर खत्म करके चूहों से कहता है कि भाई ये तो हवा खाता है और ये बड़ा धम्मिक है और ये एक टांग पे खड़ा रहता है और ये धम्म की सेवा करता है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये हत्या नहीं करेगा, बेफिक्र होकर रह जाओ। तो सारे जितने चूहे होते हैं वो सोचते हैं कि चलो इसकी सेवा करें, हमें थोड़ा पुण्य मिलेगा। तो वो उसकी खूब सेवा वगैरह करते हैं और वो पूरा ढोंग करता है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाता और मुझे सेवा विवाह की भी जरूरत नहीं है। तो वो सारे अपना खेल खाल के जब वो जा रहे होते हैं तो वो सबसे आखिरी चूहे को बहुत तेजी से पकड़ता है और गप खाता है और उसकी पूंछ को दबा देता है और उसकी आवाज भी नहीं आने देता और फिर आंख बंद करके ऐसा का ऐसा ही एक पैर पर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे करके चूहों की संख्या कम होती है तो जो उसका जो मुखिया था चूहों का, वो कहता है कि पहले तो बिलों में हम आते नहीं थे, इतने ज्यादा थे, सट सट के आते थे, अभी तो खुले खुले भी आ रहे हैं, उसके बाद भी जगह खाली है, हमारी संख्या कम कैसे हो रही है। तो उनका शक जाता है बिड़ार के ऊपर कि हो ना हो ये जो बिड़ार है, जो बिल्ला है, ये बदमाश है, इसका पता करना चाहिए। तो वो जो सबसे उनका जो मुखिया होता है वो कहता है मैं सबसे पीछे रहूंगा, बाकी सब आगे आगे जाओगे वापसी में। तो वो अपना खेल कूद के जब वापसी में जा रहे होते हैं और जैसे ही वो बिड़ला आंख खुल के झपट्टा मारता है, इस बार तो वो होशियार होता है, जागृत होता है, जगा हुआ होता है, अवेकंड होता है, तो वो फौरन ही उसको झपट से बच जाता है और सारे चूहों को सावधान कहता है। और सारे चूहों को सावधान करने के बाद में फिर उस बुल्ले से सावधान होते हैं, तब ये जो जातक कथा 128 है तब ये बनी है। इसका क्या उद्देश्य है पहले इसको सुन लीजिए। यो वे धम्मं धजं कत्वा नी गुड़हो पापं आचरे विश्वासी यत्वा
भूतानी वीडारंग नाम तंग वतंती यो वे धम्मंग धजंग कत्वा। यो वे धम्मंग धजंग कत्वा का मतलब है कि जो वास्तव में धम्म का ध्वज फहराकर यानी कि अपने आप को धम्मिक घोषित कर अपने आप को धार्मिक या धम्मिक बताकर निगुड़ो हो पाप आचारे नुगुड़ो हो पापंग आचार्य का मतलब है छुपे हुए गुड़ंग जो बोलते हैं वो रहस्य में बोलते हैं छुपे हुए को यानी छुपे हुए पाप आचार्य यानी पाप का आचार करता है। विश्वासी यत्वा भूतानी विश्वासी यत्वा का मतलब है विश्वास कर भूतानी मादे प्राणी यानी प्राणियों का विश्वास जीत कर जो प्राणियों ने विश्वास किया है उसको जीत कर। विडारंग नाम तंग वतंती विडारंग नाम विडारंग का मतलब है विडार यानी बिल्ला बिल्ला का नाम तंग वतंती का मतलब है उसको कहते हैं यानी कि जो ऐसा व्यक्ति अपने आप को धार्मिक चोला ओढ़ ले जो धार्मिक कहे अपने आप को धम्मिक आदमी कहे कहे मैं बड़ा साधु हूँ बड़ा सदाचारी हूँ और मैं तो धम्मिक आदमी हूँ और मैं तो ना किसी की हत्या करता हूँ ना झूठ बोलता हूँ ना पाप करता हूँ ना मैं व्यभिचार करता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ जो ऐसा कहे और उसके बाद में लोगों का विश्वास जीत ले इसको कह के और छुप के पाप करे किसी कमरे में जाके बाहर जाके ऐसे आदमी को बिल्ला कहा जाता है ऐसे आदमी को बिल्ला कहा जाता है यानी कि हम जो कितना बड़ा बिल्ला है ये कहावत भगवान बुद्ध के बाद जो कहानी बनी है जातक कथा बनी है उससे आती है यानी हम कहते हैं ये बड़ा बिल्ला है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लोग आज के समय में बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने धम्म की बड़ी सारी अपने ऊपर मालाएं अपने ऊपर कपड़े अपने ऊपर रंग अपने ऊपर बाल अपने पता नहीं क्या क्या वो करके और उन्हें कुछ पता नहीं होता और वो फिर पाप करते हैं शराब पीते हैं व्यभिचार करते हैं जुआ खेलते हैं नशा करते हैं अय्याशी करते हैं सारे काम करते हैं। आप दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों का टीवी पर अखबारों में जिक्र देखते हैं मोहल्ले पड़ोस में जिक्र देखते हैं सीधे साधे लोग फंस जाते हैं उनका आडंबर देख के उनका ढोंग देख के उनके कपड़े देख के उनकी जटाएं देख के उनका रंग बिरंग जो उनका साधन है उसको देख के ऐसे लोगों को सावधान किया गया है कि वो बिल्ला होते हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर अपने यूट्यूब पर अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं उसका वीडियो ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम्म दान धम्म को देना सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने धम्म आपको खूब लाभ देगा धम्म आपको लाभ देगा आप धम्म को लाभ देंगे ये दोनों इंटरचेंज है यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sarenam Gacchami.
सिंधु सिरणू